हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे वायरल फाउंडेशन का हैक। और जब मैंने ये हैक देखा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये किस तरह ट्राई करूँगी, लेकिन चले यहाँ पे हम इसको करते हैं ट्राई। और यहाँ पे मैंने कवर वालों की फाउंडेशन ले ली है। ये मेरे पास फाउंडेशन थी, मैंने सोचा चलें इसी से ये ट्राई करते हैं ये हैक। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन जो है निकाली थी, और निकालते हुए यकीन जाने मेरा दिल इतना धक धक कर रहा था, ओ माई गॉड, कि इतनी फाउंडेशन जो है मेरी वो ज़ाया हो रही है। इसके बाद जो है मैंने उस तरह ही अपने फेस पे लगाना स्टार्ट किया इस फाउंडेशन को। और जब मैं लगा रही थी ना तो मैं सोच रही थी अल्लाह इसको किस तरह ब्लेंड करना है, किस तरह इसको कवर करना है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये हैक तो लाजमी हर हाल में ट्राई ज़रूर करना है कि इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है। खैर, जब मैंने ये सारी अपने फेस पे लगा ली तो उसके बाद मैंने अपने हाथों से ही इसको अपने फेस पे मल लिया और ले ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसको किस तरह करूँ। इसके बाद आई मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की बारी, जिसकी मैंने कुर्बानी देनी थी। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना ब्लेंड करना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि ये किस तरह इस ब्यूटी ब्लेंडर कवर करेगा इसको। और यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर करना सत्यानाश हो चुका था, अभी मैंने सिर्फ हाफ फेस ही किया था। इतना मुझे टाइम लगा, मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा था ना, मैं थक गई। और ये उफल्ला, इतनी मुश्किलों से ये हाफ ब्लेंड हुई। खैर, उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगी रही मुसलसल, मैंने जो है इसको ब्लेंड करती रही, करती रही, करती रही। और तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे, 10 से 15 मिनट लगे इसको ब्लेंड करने में। और जब ये ब्लेंड होगी रियली, मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा शुक्र है। और बहुत मुश्किलों से मैंने इसको किया अपने नेक पे और फेस पे, हर जगह इसको कवर किया। इसके बाद जो है अब कंसीलर की बारी थी। कंसीलर को भी मुझे इसी तरह जो है अपने फेस पे लगाना था। ओ गॉड, कंसीलर निकालते हुए भी मेरा दिल धक धक कर रहा था कि यहाँ पे मेरी कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं ना उनका सत्यानाश हो रहा है। खैर, लेकिन मैंने कहा चलें यार ये हैक तो ट्राई किया जाए, कैसा है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर मैंने कंसीलर लगा लिया था, कंट्रोलिंग मैंने नहीं लगाई थी। इसके बाद मैंने कोई दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लिया, क्योंकि पहले वाले का तो सत्यानाश हो गया था। खैर, मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया और वो अच्छे तरीके से हो गया था। इसके बाद मैंने जब कम्फर्ट पाउडर लगाया तो ये भी बहुत ज़्यादा लगाना था, लेकिन मुझे ये बात की खुशी थी जब मैंने फाउंडेशन इतनी ज़्यादा कवर कर ली है तो ये चीज़ें तो फिर बहुत ही मामूली सी हैं। खैर, जब हो गया तो इसके बाद मैंने अपना आईज़ मेकअप स्टार्ट किया। आईज़ मेकअप भी बहुत ज़्यादा करना था यहाँ पर, इतना हैवी। और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हल्का करना स्टार्ट किया। और जब मैंने इसको हल्का कर लिया तो मैंने कहा चलें अब ज़रा ब्लश ऑन लगाया जाए। यहाँ पे मैंने जो है पाउडर वाले ब्लश ऑन का ही इस्तेमाल किया था। और इतना ज़्यादा ब्लश ऑन मैं ले रही थी, अपने फेस पे लगा रही थी। अब आपको कैमरे में तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एंड में मैं आपको ना ज़रा करीब से इसकी लुक दिखाऊंगी और आप देखिएगा इतनी फाउंडेशन और इतना ब्लश ऑन। इसके बाद मैंने इसको एंड करना चाहा और जल्दी से मैंने ना एक लिप ग्लॉस लिया और अपने फेस लगाना स्टार्ट कर दिया। और नाउ ये मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को लास्ट में अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा कि कैसी लग रही है। इसकी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन थी। खैर चलें, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और ये देखें जी, ये हो गई है मेरी फाइनल लुक। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोजअप से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये दिख कैसी रही है। हो तो अच्छी गई थी, लेकिन बहुत मेहनत है भाई, इतनी फाउंडेशन ज़ाया कर दी है मैंने, यकीन जाने इससे मेरा 1 महीने का मेकअप हो जाना था। ये देखें, इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हुई है ये, मैं आपको सही बताऊँ तो। लेकिन फिर भी ट्राई किया है क्या, तो चलिए मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।